हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफो स्टडी बनने से पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कई बड़ी और लेटेस्ट खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, बड़ी खुशखबरी के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है तमाम UPTET पास कैंडिडेट के लिए। ये एक बड़ी और लेटेस्ट खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करते हुए 90 दिनों में नियुक्ति करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवेदन, एग्जाम, इसके अलावा रिजल्ट से लेकर सारी की सारी चीजों पर डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था, और अब 27,000 पदों को भरने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, और यह आदेश भी कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कोई भर्ती को लेकर चीजों को मानती है तो सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश को, अदरवाइज वो किसी और आदेश को नहीं मानते हैं। आप शिक्षक भर्ती के लिए जितने मर्जी आप धरना प्रदर्शन करिए, सरकार नहीं सुनती है, लेकिन जब हाईकोर्ट आदेश देती है तो वो सुन लेते हैं। ऐसा आपने देखा है 69,000 को लेकर, हाल ही में हाईकोर्ट ने आदेश दिया, सुन लिया, और अब एक बार फिर से नया और बड़ा आदेश दे दिया गया है, और ये आदेश दिया गया है 27,000 से ज़्यादा पदों को भरने के लिए। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में समझा देता हूँ इस ऑर्डर के बारे में कि ये ऑर्डर क्यों जारी किया गया है, उसके बारे में क्या क्या उन्होंने गाइडलाइन दी है इस ऑर्डर के लेकर। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर हमारी मांग तो उत्तर प्रदेश में 97,000 की होती थी और भी अलग अलग पदों को लेकर, लेकिन हाईकोर्ट ने 27,000 या इतने पदों पर भर्ती को लेकर क्यों कहा है। असल में आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर 1,37,000 शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पे समायोजन किया गया था। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके समायोजन को रद्द कर दिया था, और ये कहा था कि आप इन पदों पर 2 भर्तियों के माध्यम से भरिए। सरकार ने 2 भर्तियों के विज्ञापन निकाले थे, एक थी 68,500 शिक्षक भर्ती, एक थी 69,000। दोनों आज तक फंसी हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। 68,500 के अंदर तकरीबन बड़ी संख्या में 30,000 के आसपास पद खाली चले गए थे। बाद में सरकार ने थोड़े बहुत पदों को भरा। आप जानते हैं कि लगभग 41,000 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, बाकी के जो पद थे वो सीधे तौर पर 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर खाली हो गए थे। फिर आती है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें BEd करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, और उनकी वजह से 69,000 में 1,46,060 पे पास होते हैं। लेकिन 69,000 को लेकर हाल ही में कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि नई चयन सूची बनाई जाए, और नई चयन सूची जारी करते हुए जो भी OBC SC को लेकर विवाद है उसको स्पष्ट किया जाए। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी और सामने निकल कर आ गई है आपके 68,500 के मामले को लेकर। 68,500 के मामले में अगर बात की जाए, जो पद खाली थे काफ़ी लंबे समय से, अभ्यर्थियों ने इसको लेकर मांग की थी कि कट ऑफ को कम करके भर दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। अभ्यर्थियों ने कहा कि 68,500 के पदों को यहाँ पर जो और भी अभ्यर्थी रह गए उनको मौका दे दिया जाए, नहीं सुना। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि 68,500 के पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दो। आज दोपहर को मैंने एक वीडियो भी आपको बनाया था इसके बारे में, मैंने जानकारी भी दी थी कि लगभग 22,000 के समथिंग पद खाली है, लेकिन अभी 22,000 पद को लेकर जो कोर्ट के ऑर्डर में जारी होगा उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा कि कोर्ट कितने पदों को भरने के लिए कहा है। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। केस स्टेटस की अगर बात की जाए 88/2020 के बारे में, यहाँ पे इसकी जो पहली सुनवाई देखने के लिए मिली थी 15 फरवरी 2020 को था, और आज 27 अगस्त 2024 को केस को सुना गया था। केस को सुनने के बाद आज की तारीख में डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि डिसमिस कर दिया गया है। डिसमिस नहीं कहेंगे, डिस्पोज का है। डिस्पोज का मतलब होता है निस्तारित कर देना। साथ ही साथ अगर बात की जाए डिसमिस ऑन मेरिट पे, यहाँ पे कहने की इसको डिसमिस भी किया गया है, लेकिन मेरिट का मतलब यह है कि यहाँ पे तथ्यों की सुनवाई करने के बाद ऑर्डर जारी किया गया है। अब ऑर्डर क्या दिया है थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 68,500 के अंदर भी कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि जो भी 68,500 के पद खाली हैं उन पदों के लिए भर्ती पर विज्ञापन जारी करते हुए अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती निकाली जाए, और इस नई भर्ती के विज्ञापन को 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाए। कोर्ट के माध्यम से जानकारी जो देखने के लिए मिली है, जो अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, जो अभ्यर्थी वहाँ मौजूद थे, उनके माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 68,500 को लेकर भी जो पद खाली रह गए उस पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, और
इसको नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो भी डीएलएड या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी उनको सम्मिलित किया जाए। बीएड को लेकर आप जानते हैं कि अभी इनकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्राइमरी के अंदर योग्य नहीं है, लेकिन सरकार कोई संशोधन या कोई नियमावली बनाए तो बात अलग है। अदरवाइज इन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी किया जाए, 90 दिनों के अंदर ही इसके आवेदन हो, 90 दिनों के अंदर ही इनकी परीक्षा हो, 90 दिनों के अंदर ही इनकी रिजल्ट जारी हो और 90 दिनों में इनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। अब ये तो है कोर्ट का आदेश, जो कि एक अच्छी बात है कि कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि 68,500 के इतने पद खाली हैं, तो क्यों ना इन पदों को भर दिया जाए और जो बेरोजगार छात्र लगातार शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं उनको एक मौका दे दिया जाए। अब ये यूपी टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, और इससे अच्छी अपडेट भी नहीं हो सकती है। लेकिन एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी को और दे दूं कि आप जानते हैं कि जो 68,500 के खाली पद रह गए इन पदों को लेकर, जो पहले 27,000 का आंकड़ा देखने के लिए मिला था क्योंकि 68,500 पर वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें से लगभग 5,000 पद भर दिए गए थे सरकार के माध्यम से। क्यों भरे गए थे? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांग की थी और सरकार ने इन 5,000 पदों पर चयन सूची जारी कर दी थी, तो तकरीबन 22,000 पद रह जाते हैं। अब इन 22,000 पदों को लेकर जो पुराने शिक्षा मंत्री होते थे उन्होंने कहा था कि हम 6,800 को नियुक्ति देंगे, बाकी के बचे 17,000 को नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरेंगे। यानी कि अब देखना ये होगा कि कोर्ट के अंदर जो डाटा पेश किया गया था क्या वो 27,000 का था या 22,000 का। अगर 22,000 का भी किया गया है तो क्या 22,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन सरकार निकालेगी, या जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश दिया गया है उसके आधार पर इन पदों को एड ऑन किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश जारी हुआ है उसमें सरकार ने इस बात को कहा है कि वो जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको समायोजित करेंगे। अब अगर उनको समायोजित किया जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उनके पद जा सकते हैं। 6,800 तो 100% तय है कि इससे इसके आसपास तो पद रहेंगे, हो सकता है कि इससे ज़्यादा पदों को जोड़ दिया जाए। अगर इससे ज़्यादा पदों को जोड़ दिया जाता है तो फिर आपकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर झटका लग सकता है। लेकिन इस हाई कोर्ट के आदेश को सरकार कैसे फॉलो करेगी कैसे नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। 68,500 को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश तो दिया है कि इन पदों को 3 महीने के अंदर विज्ञापित करते हुए, परीक्षा कराते हुए, आवेदन लेते हुए नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। लेकिन अभी इसमें 2-3 समस्याएं हैं, वो हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर और उसको कहीं ना कहीं सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। अब 69,000 में अगर सीट जुड़ती हैं तो वो सीटें कहाँ से आएंगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और अगर 68,500 की सीटें जोड़ी जाती हैं तो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 68,500 पर नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए उसमें भी कहीं ना कहीं जो विवाद है फंस जाएगा। यानी कि यूँ कहें कि सरकार अब दोनों भर्तियों में फंस चुकी है, चाहे वो 68,500 हो या 69,000। देखना होगा कि अब सरकार यहाँ से किस तरीके से निकालती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश दिया है क्या वो 90 दिनों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।